एक्ट्रेस खुशबू सुंदर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई सदस्य बनी है। आपको बता दें कि खुशबू सुंदर हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर के वे बेहद वोकल रही हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उनके बयानों पर बड़े बड़े विवाद भी हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनने के बाद उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने अपने ही जीवन को लेकर जो बातें कही हैं उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। उन्होंने बताया कि मेरी माँ बहुत ही अपमानजनक शादी से गुजरी। यही नहीं कि मेरे पिता माँ को पीटते थे। उन्हें लगता था कि माँ को पीटना उनका अधिकार है। उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने अपनी इकलौती बेटी यानी मेरा यौन शोषण किया। 8 साल की उम्र में ही मेरे ही पिता ने मेरा यौन शोषण किया, लेकिन 15 साल की होने तक मैं साहस नहीं जुटा पाई। जब मैं 15 साल की हुई और मैंने साहस जुटाया, मुझे लगता था मेरी माँ भी मेरा विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि वो लगातार भगवान का दर्जा देती थी उन्हें। लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं 16 साल की भी नहीं थी और हमने पिता का घर छोड़ दिया। हमें ये नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, हमें खाना मिलेगा या नहीं। यानी कि लंबा संघर्ष करने के बाद खुशबू सुंदर ने अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें साउथ की कई फिल्मों में वो नजर आई हैं और उन्हें काफी पसंद भी किया गया है। हालांकि उनके विवादास्पद बयानों के चलते कई डायरेक्टर्स ने उनसे कन्नी भी काटी। आपको बता दें कि द बर्निंग ट्रेन से उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया और उसके बाद 2010 में वो राजनीति में आई। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के रूप में उन्हें देखकर कई लोगों को उम्मीद है कि जिस बेबाकी के साथ वो महिलाओं के मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं उसी तरीके से वो एक्शन भी लेंगी।